वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग स्पेशल एग्जाम को लेकर के। स्पेशल एग्जाम में आपको पता होगा कि स्पेशल एग्जाम जो है ईयर बैक लगने से बचाने के लिए लिया जा रहा है स्पेशल एग्जाम। और आप लोग बड़ी नसीब वाले हो जो आपको यहाँ पे ईयर बैक लगने से बचाने के लिए आपको स्पेशल एग्जाम लिया जा रहा है। हालांकि मैं नसीब के साथ साथ ये भी कहूँगा कि आप लोगों में यूनिटी भी बहुत अच्छी है, जो आपने धरना प्रदर्शन किया, जो आपने प्रदर्शन किया और एक प्रॉपर तरीका से आप चीज़ों को संवैधानिक तरीका से आपने अपना हक रखा, अपनी बात रखा और आपने स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पूरा उम्मीद जो था उसको आपने साकार किया है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपका स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है। अब इस स्पेशल एग्ज़ाम का फ़ायदा आप लोग अच्छे से लेना, इसको बिल्कुल ही मिस मत करना। देखो, इसमें अगर आपको ईयर बैग लगेगा वापस से, इसमें अगर आपको कैरी पेपर लगेगा तो बहुत ही दुख की बात होगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको स्पेशल एग्ज़ाम में भी किसी का ईयर बैग लगे वापस से या किसी को पेपर भी कैरी लगे। तो मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो दो दिन में एक दिन में होने वाला है उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे अभी पढ़ाई करना चाहिए था। एक दिन पहले, दो दिन पहले आपको क्या क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी से आप उन सभी लोगों को भेज दीजिए वीडियो, शेयर कर दीजिए जिनको स्पेशल एग्ज़ाम में अभी बैठना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतने सारे लोग वीडियो देखते बट सब्सक्राइब कोई नहीं करते, भाई एक बार सब्सक्राइब कर लो। मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ, बस अपने लिए नहीं आपके लिए बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई मैं बता दूँ कि देखो स्पेशल एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और ये स्पेशल एग्ज़ाम मैं बता दूँ आपके जानकारी के लिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी हो रही है, सेकंड सेमेस्टर के लिए भी आगे होगी। तो अगर ये स्ट्रेटेजी आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपनाते हो तो ये स्ट्रेटेजी आप सेकंड सेमेस्टर में भी अपनाना, काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जान लो कि जो ये एग्ज़ाम हो रहा है ना, इस एग्ज़ाम में दो तरीके के लोग होंगे। एक वैसे लोग हैं कि जो एकदम हार्डवर्क करेंगे और एक है जो स्मार्ट वर्क करेंगे। देखिए, ये जो हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट ना, ये हार्डवर्क के लिए भाई उनके लिए आपके पास 6 महीने का टाइम होना चाहिए था, 4 महीना होना चाहिए था, 5 महीना होना चाहिए था, तब आप हार्डवर्क कर पाते हो। लेकिन देखो अब आपके पास टाइम कितना मिला, एक तो पहली बात है कम टाइम मिला। तो कम टाइम में आप हार्डवर्क का प्रोसेस आप छोड़ दो इसे, ठीक है, हार्डवर्क करने वाला बात अब ख़त्म करो। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करनी है। स्मार्ट वर्क कैसे करनी है, स्मार्ट वर्क में देखिए कुछ स्ट्रेटेजी आपको डिस्कस करूँ मैं, वो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। वो स्ट्रेटेजी क्या है स्मार्ट वर्क में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आपको यहाँ पे बस पास करना है। मैं क्लियर बताता हूँ, आपको बस पास करना है, आपका जो ईयर बैक लगना है ना उससे बचना है आपको। ऐसा नहीं है कि हम टॉप के लिए बता रहे हैं यहाँ पे। ये जो स्ट्रेटेजी है स्मार्ट वर्क, ये केवल और केवल आपको पास करने के लिए है। तो पास कैसे करना होगा इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेटेजी है मेरे पास वो स्ट्रेटेजी दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जिसको अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से हमने और क्या गलती करा था पिछले साल जिससे कि हमको ईयर बैग मिला था, उस ईयर बैग को बचने के लिए अभी हमको क्या करना चाहिए था, उनको कोई आइडिया नहीं है, वापस से वो गलती वापस से रिपीट ना करें, इसके लिए स्ट्रेटजी। और एक वो स्ट्रेटजी जिनको थोड़ा बहुत चीज़ें पाती है और थोड़ा बहुत उनका पढ़ा हुआ है, बस अब अच्छा कर जाना है, इस बार अच्छा से अच्छा मार्क लाना है और पिछले बार जो गलती हुआ था उससे बेहतर आपको रिजल्ट लाना है। कुछ नंबर के लिए आपको ईयर बैक मिल गया था, कुछ नंबर के लिए कुछ सब्जेक्ट में आपका कैरी लगने की वजह से आपका ईयर बैक मिला था, वैसे स्टूडेंट के लिए। तो ये फिलहाल स्ट्रेटजी है जिनको अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पता है। देखो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं था, सबसे पहले आप ना क्या करो, एग्ज़ाम का पैटर्न आप समझो। एग्ज़ाम के पैटर्न आपको पता होगा कि 7 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक ना, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं दो तरीके के आते हैं, एक आता है 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और एक आते हैं आपको 14 नंबर के क्वेश्चन। इसके सिवाय आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव होता है 7 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर का नहीं, यहाँ पे 7 ऑब्जेक्टिव होता है जो आपको सॉल्व करना है, 7 गुना 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है। अब इस एग्ज़ाम पैटर्न में आप ये कोशिश करो कि ये 7 नंबर का जो पेपर है ना, जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आप 100% सही करने की पूरा कोशिश करो। और मैं बता दूँ कि जो 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ईजी होते हैं क्वेश्चन, वो थ्योरी बेस्ड होते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, ईजी होते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो ईजी होना ही है भाई, पूरा क्वेश्चन टॉप तो नहीं रहता ना। तो ईजी जो क्वेश्चन है उसको आपको हाथ से नहीं जाने देना है एट एनी हाउ, चाहे आपको जो कुछ करना पड़े आप उसे याद कर लो, या उस क्वेश्चन को जो है कि आप इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको छूटे नहीं, या उस बेसिस पे क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे, ये चीज़ आपका माइंड सेट होना चाहिए था। एंड जो ये 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी 1 क्वेश्चन आप एटलीस्ट या 2 क्वेश्चन आप ऐसा करके जाओ कि 10-12-15-20 क्वेश्चन आप कर लो, 10 या 12 क्वेश्चन ये 14 नंबर का आप PYQ से जाकर कर लो, या क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर लो, या जहाँ से भी मिले, मॉडल सेट में मिले, जैसे मिले, ये 14 नंबर क्वेश्चन कम से कम 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक आप कर लो, उसमें से 1 क्वेश्चन एकदम आ ही जाना है भाई। 15-20 क्वेश्चन करोगे ना, 1 क्वेश्चन तो 100% आना है, इतना टॉप तो नहीं पूछते ना, तो 1 क्वेश्चन तो आपका जाएगा। तो 14 मार्क्स यहाँ से, और इसमें से 2 भी क्वेश्चन सही कर लो तो 14 में 28 मार्क आपके यहाँ पर सिक्योर हो।
तो आप आपका पेपर पास हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम पैटर्न को लेना है। दूसरा चीज़ है कि जो क्वेश्चन आपको लेवल है ये आपको पहले से पता है, एक बार एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है, तो उसी लेवल में उसी सिक्वेंस में आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बड़े से बड़े क्वेश्चन उठा लाया और बड़े से बड़े क्वेश्चन को बैठ के बना रहा हूँ, भाई उस पर टाइम नहीं देना आपको। जिस तरीके से डी2 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उस PYQ को देखो, उसको पैटर्न को समझो और उसी बेस्ट उसी लेवल का क्वेश्चन करो। नहीं ज़्यादा अप जानी है और नहीं ज़्यादा डाउन जानी है, आपको उसी सीक्वेंस में रहना है। जो एक पैटर्न होती है ना सिलेबस एग्ज़ाम की, उसी पैटर्न में आपको रहना है, उस पैटर्न से बाहर या उसके अंदर नहीं जाना है, एकदम उसी के बेसिस पर रहना। तो ये क्वेश्चन का लेवल आपको उसी तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है। एंड देखो, आपको पता है कि हाउ आंसर, ये आंसर जो लिखना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है। जैसे मैंने बता दूं कि अगर 7 नंबर का लिखना है तो 2 पेज लिखो, इससे ज़्यादा मत लिखो, या 1.5 पेज लिखो, 1.5 पेज या 2 पेज लिखो, इससे ज़्यादा मत लिखो, टाइम ज़्यादा लगेगा, नंबर तो 7 ही मिलना है ना, तो क्यों ज़्यादा टाइम देना। तो कैसे आंसर करना ये सीखो, पिछले जो मैंने आंसर दिए थे या पिछले जो मैंने आंसर दिए थे उसमें कितना मार्क्स आया था, वो चीज़ को एनालिसिस करो, उसको बेसिस पे आप जज करो कि मेरे को कितना लिखना चाहिए था। और 14 नंबर के लिए लिख रहे हो तो न्यूमेरिकल है तो भाई 1 पन्ना बन जाए, 2 पन्ना बन जाए, कहानी खत्म हो जानी है। लेकिन अगर थ्योरी है तो उसके लिए 3 पन्ना, 4 पन्ना, 3.5 पन्ना तो जरूर लिखो 14 नंबर के लिए, ठीक है। तो सफिशियंट नंबर आपको मिलेंगे, और ये गारंटी के साथ मैंने कहा, अपने दावा के साथ कह सकता हूँ, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। और लिखोगे कैसे, जब आप पढ़ोगे, जब आप चीज़ों को समझोगे तब तो लिख पाओगे ना, आसान नहीं है 2 पेज 3 पेज लिखना, जब आपके उसके बारे में जानोगे तो तभी लिख पाओगे। अब भाई ये स्मार्ट वर्क तो हो गया सर, मैंने समझा इस तरीके से चीज़ें करनी, लेकिन करे तो करे कैसे सर। तो दूसरा स्ट्रेटेजी आपके लिए अब काम आने वाली है। देखिए पहले क्या करना है कि जितना अभी तक पढ़े उतना को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करो, क्योंकि जितने बार रिवाइज करोगे उतने बार वो दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा, और अगर अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से लिखोगे आप लोग, तो वो नंबर आपका इन्हांस कर देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक छूट गया तो हम उस बार बार टॉपिक को देख रहे हैं, क्या पता वो आएगा आएगा नहीं भी आएगा। तो जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करके रखो कि अगर वो आ जाएगा तो एकदम बेस्ट कर दूंगा, उसमें एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा, ऐसा आप मोटिव बनाओ। तो रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम होना चाहिए था, रिवीजन पे फोकस करो, जितना पढ़े हो उतना में खुश रहो, ज़्यादा नहीं लाना आपको, जितना पढ़े हो उतना ही पढ़ के रखो, लेकिन उसको रिवीजन करके रखो कि अगर वो आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए था, क्लियर है। तो ये रिवीजन। एंड दूसरा चीज़ जो है वो है नो फोन कॉल्स। भाई देखो ये जो सिनेरियो है ना, एक तो आपको ईयरबैग के लिए स्पेशल एग्जाम देने मिल रहा है, उसमें भी अगर आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन से बात कर रहे हो, कॉल वगैरह कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन मिलेंगे आपको। तो सबसे बड़ा ही नेम ही है ना आज के ज़माने में, फ़ोन कॉल ही है। तो आप फ़ोन और कॉल को कम से कम कुछ दिनों के लिए टाल दो भाई, जब तक एग्ज़ाम नहीं भेजा था आपका, कम कर दो, नहीं करो, दिन में 1 से 2 घंटे यूज़ करो, ज़्यादा मत करो, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। तो इससे ना बहुत देखो ये ना ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप 5 मिनट के लिए फ़ोन या कॉल उठाते हो, अपने हाथ पास रखते हो, फ़ोन ऐसे उठा करके 5 मिनट के लिए रखे हो, तो ये कब 5 घंटा निकाल देगा पता नहीं चलेगा, तो उसको कम कर दो भाई, ये बहुत बड़ा एनिमी है। एंड तीसरा देखो, बी कॉन्फिडेंट रहो कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा मत सोचो, एकदम बिल्कुल सोचो कि भाई मैं कर लूँगा। बी कॉन्फिडेंट, अंदर से रखो एनर्जेटिक कि यार आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, एकदम पॉजिटिव एनर्जी रखो कि यार मैं कर लूँगा इसे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी तो जिससे आप कर सकते हो, ये मैंने बता दिया। लेकिन अब देखो इसमें कुछ एक भी प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है, देखो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम के एक रात पहले ना काफ़ी ज़्यादा देर तक आपको नहीं पढ़नी है, जितना पढ़े उतना को समराइज कर लो, अच्छे से उसको रख लो, बढ़िया से तैयार कर लो, बंद कर दो कॉपी और टाइमली सो जाओ। गुड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह में आपका एग्ज़ाम रहेगा तो एक प्रॉपर तरीका से अपने हेल्थ के लिए अपने बॉडी को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि तुम्हारा कल एग्ज़ाम है, तो एक गुड हेल्थ के लिए आपको गुड स्लीप होना ज़रूरी है। तो अच्छे से आप रात में नींद लेना, बढ़िया से तैयारी करना अपने आपको, और टाइमली सो जाना, और टाइमली सुबह उठ करके क्या करना, आप देखो सुबह उठोगे तो सुबह उठ के भी आप बहुत परेशानी में रहोगे, भाई एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, नहीं करना है, एक तो ईयरबैग लगा था इस बार, अब फिर मैं वापस से क्या करूँगा नहीं करूँगा, तो कुछ नहीं सोचना भाई, कूल हो जाना, एकदम कूल, रिलैक्स, ठीक है। और रिलैक्स होकर के आपको क्या करनी है, आपको जितना भी चीज़ें आपने रिवाइज किया था, जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा था, उसको दिमाग में रिवाइज करो, रिकॉल बार बार करो कि मैंने रात में क्या पढ़ा था, सुबह में क्या पढ़ा था, दिन में क्या पढ़ा था, 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, एग्जाम का पैटर्न क्या था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्या होते हैं, ये पूरा चीज़ दिमाग में रिकॉल करो। और रिकॉल करते वक्त आपको 2 काम करनी है, पहला चीज़ कि जो क्वेश्चन थ्योरी पे आती है उस थ्योरी का रिवाइज करो, थ्योरी दिमाग में लाओ कि ये थ्योरी है, ऐसे ऐसे करना है, ये थ्योरी मेरे से हो जाएगा कंप्लीट। और थ्योरी में भी तो 2 पॉइंट आप याद रखो, पहला कि देखो अगर थ्योरी में कोई भी टेबल है या कोई भी हमारे पास टेबल या चार्ट है, तो उस टेबल चार्ट को एक बार कॉपी पेन पे लिख के रख लो शॉर्ट में,
क्योंकि वो टेबल या थ्योरी जो होती है ना, थ्योरी में लिखने के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा नंबर आपका बढ़ा देती है। तो टेबल और थ्योरी को हमेशा दिमाग में रखो कि अगर टेबल और थ्योरी आपके सिलेबस में है, टेबल कोई क्वेश्चन या थ्योरी का है, तो उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वो बनाओगे एग्जाम में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर देखने को मिल जाता है। एंड तीसरा चीज़, डायग्राम अगर आपके पास है जिसे फ्लो चार्ट बोलते हो, तो एक प्रॉपर डायग्राम बनाओ कि ऐसे ऐसे ये चीज़ सिस्टम या ये फंक्शन ऐसे वर्क कर रही है। और इंजीनियरिंग में आपको पता होगा कि जो भी चीज़ है ना वो टेबल या डायग्राम के फॉर्म में पढ़ने को मिलती है, तो डायग्राम और टेबल आपको क्लियर हो जाता है, थ्योरी का नंबर बढ़ जाता है, तो न्यू थ्योरी में नंबर अच्छा मिल जाता है। एंड दूसरा जो चीज़ रिकॉल करिए वो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए रिकॉल क्या करिए भाई, न्यूमेरिकल के लिए जो भी फॉर्मूला है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी उस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, उसको रिवाइज कर लो और फार्मूला को आप लोग याद कर लो। तो ये थे मेजर तरीका जो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो और एकदम फुल्ली मोटिवेटेड रहो, फुल्ली पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो, कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ यार मैनेज कर लूँगा, पिछला बार जो गलती किया था वो नहीं दोहराना मेरे को, इस बार बेस्ट करना है। तो ये जो है तरीका है आपको करने का, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके स्पेशल एग्जाम के लिए। एंड आई होप कि ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा आपको, एंड काफ़ी सारी चीज़ों को जो आप गलती कर रहे थे अभी तक उसको आपको मिला होगा। तो इतना पॉइंट का आप ध्यान रखो, और एक दिन का समय है, एक से दो दिन का समय है, अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट सभी को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।